तो दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। इसमें आप दोस्तों अपना भूलेख जो दोस्तों आपने अपना खतौनी की नकल निकालते हैं उसमें जो नंबर पड़ता है जी दोस्तों, उसका एक भू नक्शा बना हुआ होता है। तो उस नक्शे को दोस्तों कैसे देखेंगे, आज मैं गूगल क्रोम पे जैसे आप सर्च करेंगे भू नक्शा, तो दोस्तों जैसे ही आप भू नक्शा को सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरफेस आने के बाद आप पहली साइड जो देख रही है आप यहाँ से खोल सकते हैं। तो दोस्तों इस साइड को जब आप खोल लेंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि स्टेट में आपका उत्तर प्रदेश, जो जो डिस्ट्रिक्ट आपकी है, जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर है तो मैं यहाँ शाहजहाँपुर को कर लेता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट। तो दोस्तों जैसे ही आप शाहजहाँपुर को सिलेक्ट कर लेंगे, मेरी तहसील तिलहर तो मैंने तिलहर तहसील को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आपका गाँव है वो गाँव को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उस गांव को जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उस गांव का दोस्तों वहां पे नक्शा आपको सामने शो हो जाएगा। जैसे मैंने अपने गांव को सिलेक्ट कर लिया है तो यहां पर कुछ इस तरह का यहां पर नक्शा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस नक्शे में आप जैसे ही क्लिक करेंगे किस नंबर पर, तो उस नंबर में कितने दोस्तों हिस्सेदार हैं, किसके नाम पर कितनी ज़मीन है वहाँ पर, वो आपको उस नंबर के सारे हिस्सेदार आपको सामने शो हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही किसी भी नंबर पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर अपना जूम करके अलग अलग नंबर पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से किस नंबर में दोस्तों किसका नाम है कि ज़मीन की, आपको यहाँ से डिटेल देख सकते हैं, खाता संख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं अगर जहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो वहाँ से यहाँ पर सामने एक पॉपअप शो हो रहा है, तो उस पॉपअप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो ज़मीन किसके नाम है। और दोस्तों अगर नाम पे है तो आप साथ में दोस्तों नीली नीली लाइन भी देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपके सेम नाम है, अगर आप एक सेम नाम पे अलग अलग जगह ज़मीन है तो दोस्तों देख सकते हैं कि वो एक साथ में यहाँ पर कवर करके हमें दे रहा है किसी एक जगह क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों आप ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप सिम्बल्स को देख सकते हैं, इस सिम्बल्स में आप जिसको टिक कर देंगे वो सिम्बल यहाँ पर आपको शो होने लगेगा और आप दोस्तों इस नक्शे को बहुत अच्छे तरह से देख सकते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, ये नक्शे थोड़े साफ नहीं दिखता था, लेकिन अब ये नक्शा आपको डिजिटल में एकदम क्लियर दिख रहा है और आप इसे आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों आप अगर खतौनी की नकल निकालना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख कर अपनी खतौनी की नकल भी यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लीजिएगा बेल आइकन भी, और उसके साथ आप मेरी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आप अगर उनको सिलेक्ट करके यूज करते हैं तो इस नक्शे को आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ यहाँ का इससे सामने एकदम साफ क्लियर पॉपअप शो हो रहा है, तो उस पॉपअप में आप डिटेल अपनी पूरी पढ़ सकते हैं। और आप दोस्तों अगर जैसे आप खतौनी निकालते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आप यहां से नक्शे पर एक अलग अलग जगह पर क्लिक करके आप पूरे एरिया के दोस्तों सभी यहां पर मतलब नाम देख सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप कौन से नंबर पे क्या है सारी डिटेल आपको यहां पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। और दोस्तों अगर आपने अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में घंटी वाले आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आपको देख पाएंगे सबसे पहले। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक।